फैटी लीवर। दोस्तों जैसे इसके नाम से ही पता लगता है कि जब हमारे लीवर में फैट वसा एक्सेस हो जाता है, जरूरत से ज़्यादा हो जाता है, तब हम इसे कहते हैं फैटी लीवर। और ये जो लीवर है ये हमारे शरीर का सेकेंड लार्जेस्ट अंग है, दूसरा सबसे बड़ा अंग है। और इसका मुख्य काम होता है हमारे भोजन से प्रोटीन, कार्ब्स, ये सारे जो पौष्टिक तत्व हैं इनको अलग करना। सामान्य रूप से इस लीवर में वसा फैट तो रहता ही है, लेकिन प्रॉब्लम तब खड़ी हो जाती है जब ये फैट वसा की मात्रा आवश्यकता से अधिक हो जाती है, और यहीं से शुरुआत होती है फैटी लीवर की। अगर कारणों की बात करें तो फैटी लीवर होने के कारण तो बहुत सारे हैं। सबसे प्रमुख कारण जो माना गया है वो ये है कि जब अपने आप फूड इनटेक में वसा की, फैट की मात्रा आवश्यकता से अधिक करते हैं तो थोड़े ही वक्त के बाद आप देखेंगे कि आपके लीवर में फैट इकट्ठा होना शुरू हो गया है। इसके अलावा ऐसे सारे लोग जो मोटापे से ग्रसित हैं या फिर जिनको पाचन संबंधित कोई विकार है, जिनको डायबिटीज़ है, ये सारे लोग आप अक्सर देखेंगे कि इनको फैटी लीवर हो गया है। इसके अलावा शराब, अल्कोहल एक ऐसी चीज़ है जिसके वजह से भी लोगों में फैटी लीवर देखने को मिला है। लेकिन हालिया टाइम की एक रिसर्च कहती है कि ये ज़रूरी नहीं कि फैटी लीवर केवल उन लोगों को होगा जो अल्कोहलिक हैं। बहुत सारे ऐसे लोग जो अल्कोहल का सेवन नहीं करते हैं, चाहे वो महिलाएं हैं या बच्चे हैं, उनमें भी ये फैटी लीवर देखने को मिला है। इसको मेडिकल में एक नई टर्म दी गई है, नॉन अल्कोहलिक फैटी लीवर डिजीज़, कि उन लोगों में होता है जो शराब का सेवन भी नहीं करते, उसके बावजूद भी उनका लीवर फैटी हो जाता है। और अगर बात करें कि ये फैटी लीवर के आखिर लक्षण क्या हैं, इसका सबसे बड़ा लक्षण है कि कोई भी लक्षण का ना होना। सबसे ज़्यादा जो इसमें समस्या खड़ी होती है वो यही होती है कि जब भी आपका लीवर में फैट इकट्ठा होना शुरू होगा तब तक वो आपको कोई लक्षण नहीं देगा जब तक कि वो एक्सट्रीम कंडीशन में ना पहुंच जाए, जब तक वो आपके लिए बहुत बड़ी समस्या ना बन जाए तब तक आपको ऐसे कोई भी लक्षण अपने शरीर में देखने को नहीं मिलेंगे। और जब एक बार ये फैट एक्सेस हो जाता है, बहुत ज़्यादा हो जाता है, तो उसके बाद आप देखेंगे भूख कम हो जाना, बार बार उल्टी जैसा मन होना, और तो और आपको ये भी देखने को मिलेगा आपके पेट में दाई तरफ जहाँ लीवर होता है वह दर्द रहने लगा है। इसी के साथ ही साथ एक जो बड़ा नुकसान होता है वो क्या होता है, हमारी बॉडी में एक टेंडेंसी है कि जब भी से कोई नुकसान होता है ये अपने आप को हील करना, अपने आप को ठीक करना शुरू कर देती है। आपकी आँख में कुछ कचरा चला जाए तो आँख अपने आप आंसू चलाने लगती है जिसकी वजह से वो फॉरेन पार्टिकल, वो डस्ट बाहर हो जाए। इसी तरीके से जब कोई चोट लगती है तो खून बहना बंद हो जाता है, उस पर खुरन जमा देता है। इसी तरीके से जब लीवर फैटी हो जाता है तो वो अपने आप को रिकवर करने के लिए उसमें स्कार्स बना देता है, और यही स्कार्स आगे चल के सोरोसिस जैसी बीमारी बन जाते हैं। और आगे चलकर आप देखेंगे कि ऐसे लोगों में पेट में पानी भर जाना, बेहोशी आना, कई बार खून की उल्टी या फिर पीलिया भी देखने को मिला है। तो ये सारे वो लक्षण हैं जो आप फैटी लीवर वाले लोगों में देखेंगे, लेकिन तब जब वो एक्सट्रीम लेवल तक पहुँच चुका होगा। ये तो बात हुई कि ये फैटी लीवर क्या होता है, कैसे इसके लक्षण हैं, बात करें कि इसका उपचार क्या है। इसके उपचार के लिए मैं आपको दोहराना चाहूँगा, आप किसी अनुभवी आयुर्वेदिक चिकित्सक से सलाह अवश्य लें। इसके साथ ही साथ आप मोटापे से बचें, ऐसे भोजन का सेवन करें जिसमें फैट कम से कम हो। कोशिश करें कि आप एक बैलेंस डाइट का सेवन करें, अपने वेट को मैनेज करके रखें, और एक्सरसाइज इसका एक की है। यदि आप प्रॉपर तरीके से एक्सरसाइज करते हैं, वर्कआउट करते हैं, तो आप देखेंगे कि कभी भी आपके शरीर में इस तरीके से लीवर पर फैट जमा नहीं होगा। दोस्तों मुझे पूरी पूरी उम्मीद है कि आज की इस वीडियो में आपने कुछ ना कुछ नया तो ज़रूर सीखा होगा। यदि आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक करें। हमारा मनोबल बढ़ाने के लिए इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर अवश्य करें। ऐसा ही कंटेंट लगातार देखने के लिए, जड़ी बूटी परिवार का हिस्सा बनने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।